चलो उधर चलो, जल्दी साफ करो। अरे तुम भी चल साफ करो, कचरे की गाड़ी आने वाली है, जल्दी करो यार। भाई साहब ये कचरा देना था। भाई साहब आप कचरा यहाँ नहीं दे सकते, आपके यहाँ पे गाड़ी नहीं आती कचरा लेने। आती तो, लेकिन गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आई ना कि जितना कचरा दोगे उतना पैसा मिलेगा। किसने कहा आपसे? अरे अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये कचरा कितना कीमती है? गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है। सॉरी लेकिन क्या मैं आपको जानता हूँ? वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट की उस स्कीम का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन? कैसी स्कीम? स्कीम ये है कि आप जितना ज्यादा कचरा इकट्ठा करेंगे गवर्नमेंट आपको उस हिसाब से उतने पैसे देगी। क्या? हाँ। पर मैंने टीवी या न्यूज में ऐसा कुछ देखा नहीं स्कीम। अरे भाई मैं खुद दे के आया हूँ। देखिए आप कोई भी गार्बेज डंपिंग ग्राउंड में जाइए, कचरा दीजिए और पैसा लीजिए। देखिए आपको मानना है तो मानिए, वरना इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ। ओ भाई साहब लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बनाया। गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अफवाह फैलाई लोगों ने और आपने सुन ली। ओ भाई साहब अब आए हो तो कचरा तो डाल के जाओ। गवर्नमेंट पब्लिक को कितना भी बोले लेकिन दिल से किसी को कुछ काम नहीं करना है। पैसे का लालच दो सब करेंगे। कचरा रास्ते में नहीं दिमाग में, कितना गिरा हुआ हूं मैं। जिस कचरे को फेंकते हुए एक बार नहीं सोचा, पैसे मिलने की बात क्या सुनी, उसी कचरे को उठाने में भी एक बार नहीं सोचा। अफवाहें अच्छी भी होती है यह आज पता चला। पता नहीं वो कौन था, कहां से आया था, उसे जो कहा झूठी सही पर एकदम सही बात बोल गया। अरे भाई साहब आपको पता है ये कचरा कितना कीमती है? गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है।